बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब। दुआ है कि रब तआला तुहानू सब नू खैर खरीयत ना रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान च रखे और दरियां तमाम जायज़ ख्वाहिशां पूरियां फरमाए। अज असीं हाज़िर होए हाँ बहुत ज़बरदस्त रेसिपी दे नाल। असीं बनावांगे हल्दी की चाह। बाकी चाहे दुध पत्ती, ग्रीन टी, सब कुछ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो चुका है, लेकिन एक डिफरेंट चीज़ है। टेस्ट के लिहाज नाल भी और फायदे के लिहाज नाल भी अगर देखा जाए तो यह बहुत ज़्यादा फायदा है कि जिसम की दर्द बाधी के मामलात। और पुराने लोग तो देखिए कि जो कोई तकलीफ पैदा होंगी, कोई दर्द होंगी या कोई चोट लगती तो हल्दी जख्म से यदा लेप भी करते और दूध में मिक्स करके इस्तेमाल भी करते। अजकल चूंकि जो है मेडिसिन का दौर आ गया, हर कोई दवाइया के पत्तियां वाल दौड़ता पे, लेकिन बहरहाल अज भी जोड़े लोग इन्होंने इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों, उन्होंने फायदा होंगे बहुत ज़्यादा होंगे और मेरा जाती एक्सपीरियंस भी है। तो असी हल्दी की चाय बनावे बहुत ही टेस्टी बनेगी और बहुत फायदेमंद होएगी, रहना बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनेगी। सब तो पहले तो असी अपने पतीले दे विच 3 कप जड़ा ना पानी वो ऐड करांगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि पकन तक जड़ा ना 2 कप ही पीछे बचेगा। तो हुण इहदे विच नाल ही असी 2 लौंग ऐड कर देंगे। बाकी दे वैसे तो मसाले बिरयानी दे ऐसे ना, लेकिन ये ना कावे च बहुत सोहना इहदा ना फायदा भी है और टेस्ट भी बहुत सोहना बनता है। 2 सी ग्रीन वाली इलाचियाँ ऐड कर देंगे और छोटे छोटे 2 दालचीनी के टुकड़े ते जानगे। और अदरक सब तो ज़बरदस्त चीज़ जी, बादी नू भी ख़त्म कर दी है, मोटापे नू ख़त्म कर दी है और स्किन दे मामलात नू बहुत ज़्यादा फायदा देंदी है। मेदे च अगर कोई तकलीफ है तो उहदे वास्ते बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और स्पैशली अजकल जिहड़ा है स्मोक दा रौला है, उहदे च रेशे दे जिहड़े मामलात हर बंदे नू बने हुए ने, रेशे वास्ते बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और एक होर चीज़, छोटे बच्चे जिन्होंने रेशा ज़्यादा लगता है बार बार, अगर वो जड़ा है ना अदरक का पानी इनू पीस के ना कुंडी डंडे दे विच, ते 1-3 कतरे या छोटी अद्धी चम्मच उहदे च अदरक का पानी और उहदे नाल जड़ा ना थोड़ी जिनी शहद मिक्स करके छोटे बच्चों अगर चटाया जाए तो उन्हां दा पुराना रेशा अलग करदा ख़त्म हो जाता है। तो थोड़ी जिनी असीं इहदे च हल्दी ऐड करांगे जिहड़ी घर की बनी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और थोड़ी जिनी इहदे च एक छोटी चुटकी जी ना काली मिर्च की हेच ऐड होएगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हुण असीं इहनूं ढक के पकावांगे अच्छे तरीके दे नाल उबाल आउण तक। और असीं इहदे चीनी ऐड नहीं करांगे। अगर तुसीं शुगर पेशेंट हो या कुछ ऐसा वैसा मामला है तो फिर तुसीं जिहड़ा गुड़ या ऐसी चीज़ भी ना इस्तेमाल करो, लेकिन मैं इहदे च गुड़ इस्तेमाल करांगी क्योंकि गुड़ का फायदा भी बहुत ज़्यादा है और चीनी दे सफेद जहर है, लेकिन बहरहाल यूज़ हो रही है हर जगह पर, तो इहदा फायदा भी है और टेस्ट भी बहुत सोहना बनता है गुड़ के नाल। हुण साडी चाह नूं बहुत सोहना उबाल जाना आना शुरू हो गया। देखा कलर कितना ज़बरदस्त है, इंज रैड रैड देख के दिल खुश होंदा है कि चीज़ खूबसूरत होवे तो वाकई खाण पीन दे भी दिल करदा है। हुण असीं इस नाल गुड़ ऐड करांगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड़ का मकदार कोई खास नहीं है, जिन्ना तुहानूं टेस्ट पसंद होवे उन्ना जिहड़ा है उसी ऐड कर सकते हो। मैनूं थोड़ा जिहा नॉर्मल पसंद है, मैं इस वास्ते थोड़ा जिहा कम ऐड कीता है, तो अगर तुम चाहो तो थोड़ा जिन्ना एक्स्ट्रा भी कर सकते हो। हुण असी अगे दी थोड़ी जिनी हल्की करके ना थोड़ा मजीद पकावांगे ताकि जिहड़ा ना इहदा असर निकल आवे, क्योंकि अच्छे तरीके दे नाल उबाल आउण दे नाल अदरक दा, दालचीनी दा, इलाची दा ना चंदा ना असर सही निकलदा है और ये मौसमी लिहाज नाल बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। मेरी स्पैशली रिक्वेस्ट है कि बना के कम अज़ कम जिन्हां नूं है रेशे दा मामलात नहीं है, जिन्हां दी तबीयत जिहड़ी थोड़ी नाजुक है, उन्हां वास्ते तो बहुत ज़्यादा बेहतर है कि उन्हां नूं लाजमी जिहड़ा ना बना के दिओ। ए मेरियां बहनां ही कर सकदियां ने कि जिहड़ियां हर वक्त किचन च हुंदियां ने, तो लाजमी बना के दिओ, इहदा बहुत ज़्यादा फायदा भी होएगा और इहदा टेस्ट भी माशाल्लाह बहुत सोहना बनेगा। लो जी हुण साडा कावा पक गया, देखिए बिल्कुल सारियां चीनियां सही नज़र आ रहा है कि पक के रेडी हो गई ने। हुण इहनूं डिश आउट करके तुहानूं मैं इहदी फाइनल लुक दिखाउंदी आ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह हुण कावा ऐड हो गया कप्पां दे विच। हुण असीं इहनूं नींबू ऐड करांगे। अगर तुसीं वज़न घटाना चाहुंदे हो तो फिर नींबू की मकदार बेशक थोड़ा जिन्ना ज़्यादा कर लो। तो असीं अपने मोटापिया दे नाल कंप्रोमाइज़ की हुई है, इस वास्ते कोई फिलहाल नो टेंशन, इस पासे रुझान नहीं है, इस वास्ते असीं थोड़ी मकदार कम रखी है। अच्छा जी अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तुहानूं तो कमेंट और शेयर लाजमी करिया जे और अपने साथियों के नाल वीडियो जी ना शेयर कर दिया करो ताकि लोगों को मजीद फायदा भी होवे और सानू भी फायदा होवे। ठीक है जी, बाकी हंसते वसते रहो, आबाद रहो।